करना चाहता हूं, कल जो इन्होंने घोषणा की है ट्रेंडम, उसी समय उसका कायल हूं मैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट श्री मनोहर लाल खट्टर अलोंग विद अनिल विज, इसने भी बात कारगर करी थी। मैं सोच रहे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली एकदम घोषणा कर दी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और इससे हजारों बच्चे मुरीद हो जाएंगे। माइक दे दो, बहुत बढ़िया काम किया। और मैं ये चाहता हूँ जो अभी इस बच्चे ने आवाज उठाई थी कि आपने जो पहले निकाली हुई है पोस्टें उस पुलिस की, मैं चाहता हूँ उसमें एक रेटिफिकेशन करके उसको रेक्टिफाई कर दो, वो भी इंक्लूड कर लो उनको भी जो बच्चे उम्र के हो गए हैं। इस पर मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी। ठीक। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं, विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी से भी और इस पार्टी से भी, एक नारा लगा रखे जैसे हरियाणवी एक हरियाणा एक, मैं चाहता हूं ये नारा तब्दील कर दिया जाए, हिंदुस्तान एक, हिंदुस्तानी एक, भारत एक, भारतीय एक, इंडिया वन एंड इंडिया एक, ये नारा इसको बदल दो मुख्यमंत्री महोदय, बहुत खुशी होगी मुझे अगर बदल दोगे। थैंक यू, बदलोगे मुझे लगता है। दूसरा, मैं ये समझता हूं इस देश का जितना बिगाड़ किया है, उजाड़ किया है, तबाह किया है इस देश को, तो उस तबाह करने में जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच, धर्म, ये सारी चीजें इस देश को नरक की ओर ले जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा देश था, एक महान देश था, लेकिन ऐसी स्टेज आई, हमारा देश ही हजारों साल गुलाम रहा, पता नहीं कौन कौन लोग गुलाम वंश भी राज कर गए यहां, और अंग्रेज राज कर गए, छोटी छोटी स्टेट्स बन गई, भाई को भाई मारने लगा। तो मैं ये चाहता हूं ये महान देश दोबारा महान बने, और इसमें जो बीमारी है ये जातिवाद की, भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, ऊंच नीच की, ये सारी खत्म हो जाए। एक तो मैं भ्रष्टाचार के बारे में एक सलाह देना चाहता हूं, आज आप सारे देश में नजर मार लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े नेता वही हैं जिन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, आज भी करने लग रहे हैं, और जातिवाद का जहर फैलाते हैं, और सबसे बड़े नेता भी यही हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे बड़े नेता हैं, वैसे तो नेता से शुरुआत हो तो अच्छा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, भाई जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है उनके लिए फास्ट ट्रैक इस तरह बनाई जाए, जिस तरह निकिता की बनाने की सलाह है, या जिस तरह वो लड़की अपने दिल्ली में हुई थी, क्या निर्भया कांड हुआ था, या जो भी था, डे टू डे हियरिंग हो, एक भी पॉलिटिशियन इक्का दुक्का को लल्लू यादव हो गया, अभी भी पता नहीं कितने अनाप शनाप केस और भी है, और कितने पॉलिटिशियन ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लूट रखा है इस देश का, और फिर नेता भी वही, क्योंकि गौतम जी थोड़ा सा जहर फैलाते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ करके ना, मैं सारी बात जो सही सही कहूंगा, गलत आना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री महोदय, आप नजर मार लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी आपके खिलाफ अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो, और किसी की पोस्ट पे ना डालो, जो ईमानदार अफसर हैं उनको SP लगाओ, DC लगाओ, IG लगाओ, DGP लगाओ, और बड़ी बड़ी पोस्टों पर उनको लगाओ, इससे अच्छा मैसेज जाएगा, आपका राज बढ़िया चलेगा, और भ्रष्टाचारी लोगों को बड़ी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दो, जबरी रिटायर करो, केस रजिस्टर करो, कुछ भी करो, लेकिन एक्शन लो। दूसरा मेरा कहना है, इस समय सारे देश में बहुत जबरदस्त भयंकर मिलावट है, अनेक बीमारियां, ऐसा है गौतम जी, देखिए ये सारे विषय ना, अध्यक्ष महोदय मैं जल्दी करूंगा, ये और ये बहुत लंबे विषय है, होता कुछ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत लंबे विषय है, बात कीमती है मेरी, लंबे विषय है, लंबे विषय, बहुत जल्दी खत्म कर, ये सारे विषय एक दिन के अंदर नहीं हो सकते, बात मैं जल्दी कहूंगा, सारे विषय जो है, मेरी बात कीमती है और केस होता है, सारी विषय जो है एक दिन में नहीं हो सकते। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सारे विषय एक दिन में नहीं रखे जा सकते, एक मिनट जी,
कोई आप नोटिस दिए है कि इस विषय पे चर्चा करनी है, कोई बात करनी है? मैं तो दो एक एक मिनट भी लूंगा, ज्यादा लेता ही नहीं। कितने कितनी खड़े हो गए, कोई बात थोड़ी है। एक मैं तो जो बात कहूँ थोड़ी बात कहूँ। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, देखिए प्लीज बैठ जाइए। ऐसा ना करो, फिर गलत बात है ये। नहीं, जरा बैठे तो सही। स्पीकर महोदय, मैं कह रहा हूँ मैं जल्दी खत्म करूंगा, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, गलत बात नहीं। हर जो विधायक है, माननीय विधायक है, वो इम्पोर्टेंट बात ही कहता है। उसको वो इम्पोर्टेंट लगती है, आपको ये लगती है, किसी को दूसरी लगती होगी। जो विधानसभा के नियम है, कानून है, जो परंपरा है, ऐसे बैठ उठ करके बीच में सारे देश की चर्चा आज ही एक ही दिन के अंदर खत्म। बोलो देश वाली तो अब यही आज है, कोई स्पेसिफिक अब यही की है, 10-10, 15-15 मिनट बोल के और कोई बात नहीं। मैंने नोटिस दिया, आप भी नोटिस दे रहे हो, बहुत कीमती है। आप भी नोटिस, एक मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं कर रहा मैं, बस जल्दी बैठूंगा, एक से जल्दी बैठूंगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो मिलावट का जो सब, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी से उस मीटिंग में भी कहा था, आप नहीं थे, मिलावट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाओ। हजारों क्विंटल घी नकली, दूध नकली, मावा नकली, हर चीज नकली, एग्जाम्पली सलाह दो उनको, चुराए में खड़े करके चीर दो, काट दो, या सख्त से सख्त कानून बनाओ। दूसरा, आउटसोर्सिंग का जो पॉलिसी है हमारी, मुख्यमंत्री महोदय, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, एग्जाम्पल भी दिया था, हमारे मार्केट कमेटी में 10-10, 11-11 साल से एक बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया, 11 साल से लगा हुआ था जी, मैं मुझे निकाल दिया, कहने लगा 15,000 ले रहा है तू, 5,000 मुझे दे दे, 10,000 तू ले ले, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो बीच में डले, क्यों पालो मुख्यमंत्री महोदय, मत पालो, सीधे पैसे दो सरकार से, ये मेरी गुजारिश है आपसे। दूसरा ये आपके, ये संस्कृत जो भाषा है, हमारे देश का गौरव है, अनेक भाषाओं की माँ है ये, इस संस्कृत भाषा में 2009 के बाद मुख्यमंत्री महोदय कोई भर्ती नहीं हुई, और 2012 में हुड्डा साहब ने एक ऐसा कानून बना दिया, इस संस्कृत को बिल्कुल खत्म करने की सोच ली, माफ करना, इन्होंने क्या किया, बल्कि इनके पिताजी भैंसवाल कला में जो था, वो क्या नाम, वो गुरुकुल, उसमें पढ़े हुए थे, फिर भी उसमें एमए शब्द डाल दिया। वो जो असली है, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले, वो बंद हो गए, सत्यानाश कर दिया, सबसे बढ़िया उसका लैंग्वेज का। और 2015 में जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, बस 2012 में भर्ती, आप गौतम जी उन लेक्चर की सुन लो, ये बात है, आप क्या बात करें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, नहीं नहीं, दो मिनट और बोल लूंगा, है क्या बात, बड़ी कीमती बात, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 में जो भर्ती हुई, उसमें संस्कृत टीचर, संस्कृत लेक्चरर को की लिस्ट अभी बकाया है, उस लिस्ट को मेहरबानी करके गौतम जी, ये जो वो कमाल है जी, आप इम्पोर्टेंस को नहीं समझ ले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बैठ जाइए, नहीं ऐसे नहीं, बैठ जाइए, आप बैठिए, ऐसे नहीं बोल सकते, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, आप हाउस को हाईजैक कर सकते, ऐसे नहीं हाईजैक कर सकते, नहीं नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, मैं नहीं, राम कुमार जी बैठ जाइए, नहीं नहीं बैठ जाइए, अब आपको कहा है हमने, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगी, आपके जो बोल रहे हैं बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, जो भी बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड नहीं होगा, कौन अध्यक्ष जी, अगर 11वां निकिता का मामला चल रहा तो उसे लेके बैठिए यार, इधर जरूरी है, इसके किसान ही पता ना क्या करके बैठ गए, किसी लड़की का मामला चल रहा तुम्हें यार, हर समय किसान सूझ रहे, किसी हत्या का मामला चल रहा है, छोरी का कहाँ हो लिया, कहाँ हो लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपका जो बोल रहे हैं गौतम जी, अध्यक्ष जी
मैंने ऐसा काजन साहब मैंने अलाउ नहीं किया, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं होगा अध्यक्ष जी। यदि रूलिंग ना, मैंने कहा कि कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, कोई रिकॉर्ड नहीं होगी जो बोल रहे हैं, विदाउट परमिशन बोल रहे हैं, विदाउट परमिशन बोल रहे हैं, विदाउट परमिशन बोल रहे हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड का समय निकिता के राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।